दोस्तों किन्नरों को भूल कर भी ये पांच चीजें कभी दान में मत देना। साथ ही किन्नरों को कौन सी चीजें दान देने से हमारी तरक्की तेजी से होने लगती है और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किन्नरों के बारे में। दोस्तों किन्नर को लेकर लोगों में कई तरह के मत हैं। वहीं किन्नरों की दुआ को बहुत ही पवित्र और बद्दुआओं को अभिशाप माना जाता है, इसलिए अधिकतर लोग किन्नरों से डरते भी हैं, जबकि अनेक लोग किन्नरों का उपवास भी करते हैं। वहीं कुछ लोग किन्नरों को अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट करते हैं। किन्नरों को मंगलमुखी माना जाता है, इसलिए वह हमेशा मंगल कार्य में जरूर पहुंचते हैं। अक्सर शादी विवाह और बच्चों के जन्म पर किन्नर अनायास ही लोगों के घर पहुंचते हैं और नवविवाहित जोड़े या नवविवाहित शिशु को दुआएँ देते हैं। इन दुआओं के बदले में लोग उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएँ दान में देते हैं। लोगों में ऐसी धारणा भी है कि यदि किन्नर आपको दुआ दे दे तो आपकी किस्मत को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता और एक ना एक दिन आपकी किस्मत का सितारा चमक ही जाता है। लेकिन वही कुछ लोग किन्नरों को दान में ऐसी वस्तुएं भेंट करते हैं जिनसे उनकी किस्मत का सितारा चमकने के स्थान पर डूब जाता है और अनेक प्रकार की परेशानियों में वे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए हमेशा किन्नर को दान देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके द्वारा दिए गए दान से आपका किसी प्रकार से कोई अमंगल तो नहीं होगा और उन्हें ऐसी चीज़ें दान देना चाहिए जिससे आपका मंगल हो और आपके भाग्य का सितारा चमक उठे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो किन्नरों को दान में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे किन्नरों को क्या दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों किन्नरों को अनेक लोग स्टील का बर्तन दान स्वरूप दे देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि किन्नरों को स्टील के बर्तन दान में देने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। किन्नरों को स्टील के बर्तन देने का मतलब अपने घर और परिवार की सुख शांति को दान देना और इस कारण से लोगों को तंगाल जीवन जीना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में झगड़े कलह बढ़ते हैं और परिवार के सदस्य भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। किन्नरों को कभी भी झाड़ू दान नहीं करनी चाहिए, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किन्नरों को झाड़ू दान करना अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। किन्नरों को प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की वस्तुएं दान में देना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से परिवार में बीमारियों का बसेरा हो जाता है। परिवार के लोग किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य लगातार खराब होता रहता है। इसके अलावा परिवार की तरक्की रुक जाती है। कभी भी किन्नर को पुराने कपड़े दान में नहीं देना चाहिए, यह बहुत बड़ा निषेध माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार किन्नरों का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें हमेशा नए कपड़े ही दान में देना चाहिए। किन्नरों को भूल कर भी तेल दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि तेल का दान करने से शनि दोष दूर होता है। किन्नरों को तेल दान करने से घर में गरीबी का वास हो सकता है। शनि दोष दूर करने के लिए आप तेल का दान किसी गरीब को कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किन्नरों को क्या दान करना चाहिए जिससे धन में वृद्धि हो, घर की तरक्की में तेजी से वृद्धि हो। दोस्तों इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है और कभी कभी जरूरत के लिए कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। सेविंग के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं या यूं कहें कि घर में बरकत नहीं होती। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं तो आपको किन्नर को दान करना चाहिए। मानता है कि इससे जातक के जीवन में बरकत होती है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि नई नई जानकारियाँ नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों बुधवार को किसी भी समय जब कोई किन्नर नज़र आ जाए तो उसे कुछ रुपए जरूर भेंट करें, संभव हो तो उसे भोजन भी कराएं। इसके बाद किन्नर से आप एक सिक्का मांग लें। इस सिक्के को अपने गले कैश बॉक्स या धन के स्थान पर रख दें। मानता है कि ऐसा करने से सेविंग बढ़ जाती है और आय में वृद्धि होती है। दोस्तों पैसा नहीं रुक पा रहा है तो किसी किन्नर को पूजा की सुपारी को सिक्के के ऊपर रखकर दान करें, ऐसा करने से शुभ माना जाता है। किसी व्यक्ति चाहे वह लड़का हो या लड़की उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो किन्नर को सुहाग की चीज़ें दान करें,
इससे वैवाहिक जीवन में हो रहे कष्टों का निवारण जल्दी निकलेगा। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप किन्नर को चावल दान करें। शास्त्रों के अनुसार किन्नर को चावल दान करना शुभ माना जाता है। व्यापार में कई बाधा आ रही हैं तो आप किन्नर को ढोलक दान करें। ऐसा करने से आपके हर काम होने लगेंगे। जिसकी जेब हमेशा खाली रहती हो उसे किन्नर से एक रुपये वापस लेकर हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी की बरकत होती है और लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो इससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो आप किन्नर से एक रुपये वाला टोटका जरूर करें। आप एक रुपया मांग लें और उसे हरे या लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी या किल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। खासकर ये उपाय अगर आप रात को करेंगे तो इसका असर और तेजी से होगा। साथी दोस्तों, पीपल के पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। आप पीपल के पत्तों को गंगा जल से धोकर उसके ऊपर केसर से श्री लिखें और उसे अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। नियमित अंतराल में यह पत्ता बदलते रहें। चावल को लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष रूप से चावल उपयोग किए जाते हैं। पूजा में उपयोग किए गए चावल के 21 दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने जेब या पर्स में रखें। इससे माता लक्ष्मी काफ़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।